आलू ले लो, कांदे ले लो, आलू ले लो। अरे कमाल, कमाल का शॉट दिया है कमाल। एक बात नोट कर लो मेरी, इस दुनिया को बहुत बड़ा एक्शन दे रहा हूँ मैं आज। कीप इट अप, शाबाश। अगले शॉट की तैयारी करते हैं, यूनिट आगे ले चलो। हाँ ठीक है, चल। वाह भाई साहब, कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। संजना तुम कुछ नहीं कहोगे? भैया मुझे तो लग रहा था आपके साथ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कितनी आसानी से सब कुछ हो गया ना। देख देख देख, बड़ा कमाल का डायलॉग लिखा। हाँ जी जी, बोली बोली। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना कोई आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? फिल्म लाइन में? नहीं नहीं, मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं? वाह। सुबह से ना कोई आलू बिका है, ना कोई कांदा। आधा? हाँ आधा आधा, आधा कांदा। भाई साहब ये शॉट बुला रहे हैं। मैडम आपसे मिलना चाहते। कौन मैडम? आपकी फिल्म की हीरोइन सर। आइए। देखी तेरी अदा हो गया मैं फिदा, तेरा ये लड्डू बना शेटे शेटे। आइए ना सर, आप हैं मिस ईशा। हेलो। सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। कोई सोच भी नहीं सकता कि आपकी पहली फिल्म है और शूटिंग का पहला दिन। आई एम ग्लैड टू मीट यू देयर। सेम 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 हियर। हेलो। I hope you don't mind me calling you there. No, not at all. Madam, आपका shot ready है। अरे, yes. देखो दे, बुरा नहीं माना please. No. मैं यहाँ ये फिल्म छोड़ने आई थी। क्यों? क्योंकि जब मुझे पता चला कि डायरेक्टर ने हीरो को निकाल दिया है, I wasn't very comfortable, you know. I know. लेकिन जब मैंने आपकी एक्टिंग देखी, oh my god, I mean, the way you said that dialogue, आलू ले लो, कांदा ले लो, मैं तो आपकी फैन हो गई। नहीं बस छोटे मोटे एक्टर को देख के जरा करने की कोशिश। आई वॉन्ट योर ऑटोग्राफ। ओ यस। थैंक्स। वेलकम। अब साथ काम करने में मजा आएगा। बहुत वेलकम। बाय बाय बाय। भाई, लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। भाई निकलो। डैडी, मैं आपके बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें। क्या लग रहे हो भाई? अच्छा लग रहा हूँ ना? एकदम झकास। मेरी शूटिंग पर क्या कर रहा है तू? उदय भाई, आज जिसलवा से मीटिंग फिक्स हुई है। साइमन को भी मैंने सिंगापुर से बुला लिया। आज आपका चलना जरूरी है। हाँ अभी पैकअप हो जाएगा, आखिरी शॉट है। जाकर मिलते हैं उनसे, माना तो ठीक, नहीं तो ठोक देंगे। लगता है हमारी शादी नहीं हो पाएगी राजीव। यहाँ शॉट खत्म और वहाँ भैया की क्राइम फिल्म शुरू। संजना, एक बार तुम ही बता रही थी ना कि तुम्हारे भैया को घोड़ों से बहुत डर लगता है। हाँ क्यों? ये इतने घोड़े किस लिए आए हैं यहाँ? डायरेक्टर ने शॉट चेंज कर दिया। पहले आप चलकर आ रहे थे ना लड़की का हाथ मांगने पिताजी से, अभी आप 25 आदमियों के साथ घोड़े पर आएंगे। घोड़े पे? लेकिन ये हाथ मांगेगी कैसे? इन्हें घोड़ा वोड़ा चलाने नहीं आता? नहीं, हमारा घोड़ा तो ठीक है, हम चला लेते हैं। ये घोड़ा चलाना मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है भैया, आप खाली ऊपर बैठ जाओ, घोड़ा अपने आप चलेगा। नहीं लेकिन पहला शॉट अच्छा था, मैं चल के आता हूँ, जरा समझाओ ना उसे। भाई साहब आप तो जानते हैं, अभी वो डायरेक्टर को समझाने जाऊंगा सर, फिर आदमी पिक्चर बंद कर देगा। आप चाहते हैं पिक्चर बंद हो जाए? फिर बताइए कौन सा घोड़ा चलाएंगे आप? दे दो अभी कोई भी। मुझे इतना कुदकने की आदत नहीं, रुकना। अरे अरे, कट कट।
लड़की का बाप इधर है। इतना बड़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा तुमको यार। देखो यहाँ घोड़ा रोकना है, उतरना है, चल के आना है, लड़की के बाप से हाथ मांगना है, सिंपल है यार। अरे ये नहीं ना रुकता, मैं क्या भाई करूं? अपने आप नहीं रुकता है घोड़ा, रोकना पड़ता है, लगाम खींचना पड़ती है। चलो एक बार और करते हैं बाबा। साउंड रेडी है क्या? साउंड 132 एक्शन। आओ आओ आगे कहाँ जा रहे हो मुझसे? अरे अबे किधर है बे कैडेट? कहाँ है, कहाँ है आप? मैं इधर इधर हूँ इधर। अरे वहाँ क्या कर रहे हैं आप बीच में? लड़की का बाप इधर है। ये बाप घोड़ा मान नहीं रहा ना मेरा, मैं क्या करूँ? अरे अरे तो हम भी क्या करें, शूटिंग बंद कर दें। किसको? घोड़े वापस ले दो। हेलो आ रहे ना यार, बोला ना आधे घंटे में आ रहे हैं। क्या दिमाग का दही कर रहा है? अब देखना इनकी मीटिंग कैसे कैंसिल होती है। यार वो उदय भाई अभी भी शूटिंग में अटके हुए हैं। तूने डिसलवा को जाने क्यों दिया? आधा घंटा रोक नहीं सकता था क्या? अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। डायरेक्टर साहब रिलैक्स यार, रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्टेड का हुआ ट्रेड बने लोग आधु फाधु बातें कर रहे हैं। आप चुप रहिए भाई, जाने दो। तुम्हारे क्यों देते हो ऐसे लोगों को? एक करो बस, साउंड रेडी है क्या? साउंड 57 एक्शन। अरे मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ प्लीज। कट इट यार, कट इट। क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या बराबर घुटने पे आया, हाथ मांग रहा हूँ। ऐसे मांगेंगे आप? घोड़ा रुका नहीं, आप गिरते पड़ते हाथ मांगेंगे आप? ऐसे लड़की का हाथ देगा वो? अरे हम पे नहीं, कम से कम घोड़ों पर तो रहम खाओ। हाँ प्लीज प्लीज, एक एक शॉट। अरे घोड़ा बदले आप। मेरी बात। अरे किसको हीरो ले लिया मैंने अपनी फिल्म में? उस बेचारे घोड़े को भी लग रहा होगा किस गधे को बिठा दिया उसके ऊपर। बदतमीज गधा। लाल टमाटर के बीच तू उदय भाई से भीख मंगवाएगा? लोग उनसे भीख मांगते हैं, शादी नहीं करवानी उससे? भीख मांगने की बात नहीं, उदय भाई का थोड़ा कभी आगे रह गया कभी पीछे रह गया, वो नहीं जा सकते उदय भाई के पास? उठा कहाँ है वो? अरे भाई अरे ये सब किसने किया? आपके मजनू भाई ने डायरेक्टर को मारा, प्रोड्यूसर को मारा, लातों से मारा, घूसों से मारा, जूतों से मारा, किसी की नाक तोड़ी, किसी का मुंह तोड़ा, किसी का सर तोड़ा, वो देखिए सब कुछ तोड़ दिया, और तो और आपका एक्टर बनने का सपना भी तोड़ दिया। अरे डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। बैकअप बैकअप पिक्चर बंद, पिक्चर बंद बैकअप भाई, बैकअप आपका बैकअप। साला चलता है मुझसे मजनू। राजीव कोयले को कितना भी धो लो, सर्फ से, निर्मा से, रिन से, वो हमेशा काला का काला ही रहता है। इसी तरह ये लोग भी कभी सुधर नहीं सकते। संजना ये पांचों लड़कियां मुझे पसंद है। राजीव का हाथ किसके हाथों में देना है ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। एक बार के लिए मेरे भैया तो सुधर भी जाते, लेकिन इस मजनू ने। संजना दीज गाइस आर जस्ट लाइक क्रैब्स। एक सुधरना चाहता है तो दूसरा उसकी टांग खींचकर नीचे ले आता है। शायद हमारी किस्मत का यही फैसला है। नो संजना, हमारी किस्मत का फैसला अब मजनू भाई साहब नहीं करेंगे, बल्कि उनकी किस्मत का फैसला हम लोग करेंगे। आपका नाम ही गलत है मजनू जी, बल्कि आपका नाम ऐसे शुरू होना चाहिए। हाँ मेरा असली नाम तो
सागर है। There we go. सागर जी जरा माथे पर चिकन लाइए प्लीज। 18 साल की उम्र में आपका इश्क किसी लड़की के साथ हुआ था? शर्माइए नहीं, ऊपर देखिए, जरा और गहरा करिए, यूं यूं ऐसे। उस लड़की का नाम आई से शुरू होता है, याद आई? इरावती। इरावती संजना, जिस लड़की से इनका प्यार हुआ था उनके भाइयों ने एक बार इनके हाथ पांव तोड़े थे, am I right? खाली हाथ तोड़े थे, पैर तो दौड़ते दौड़ते गटर में गिरने से टूट गया। That's honesty, because of इरावती आप क्राइम वर्ल्ड में आए, right? गुरुजी, क्योंकि उनके पिताजी ने कहा कि आप नाम कमाइए, पैसा कमाइए, पैसा कमाने के चक्कर में आपने किसी का मर्डर कर दिया और भागते भागते यहाँ पहुंच गए। वो सब तो पिछली बातें हैं राजीव भाई, आगे क्या होगा? वही प्यार अब लौट कर आपकी जिंदगी में वापस आएगा। फिर बच्चों का क्या होगा? कौन बच्चे? उसके 4 बच्चे हैं, अगर वो मेरी जिंदगी में आती है तो उसके बच्चों का क्या होगा राजीव भाई? नहीं नहीं, बच्चे उसके पास ही रहेंगे और इरावती आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। हा? इरावती जैसी लड़की आपकी जिंदगी में वापस आएगी जिसका नाम आई से शुरू होगा। एक मिनट, जरा माथे पर चिकन लाना फिर से। नहीं नहीं डराइए मत, जरा कम। हाँ लो, उसे तो आ जाना चाहिए था। अच्छा अच्छा, अभी समझा। ये पेंटिंग, ये सब आप कैद करके क्यों रखते हैं घर में? इन्हें बाहर निकालिए। बाहर तो बारिश वारिश होती ना भाई, भीग जाएंगी ना। नहीं बाहर का मतलब, बाहर नहीं, बाहर का मतलब एग्जीबिशन या फिर कोई ऑक्शन। और वैसे भी मैं कब काम आऊंगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा ये सब ऑक्शन कराने में। और हो सकता है कि इस आर्ट की वजह से आपको यू नो वो आई वाली लड़की मिल जाए। अरे आई से। ऑलराइट, एंड नाउ आई प्रेजेंट द पेंटिंग ऑफ अ न्यू आर्टिस्ट मिस्टर सागर। वेल दिस पेंटिंग इज कॉल्ड रॉकिंग horse. We start the bid at $10,000. 12, 14,000, 16,000, 16,000, 18,000, $22,000, $25,000, 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
$50,000 three sold. And this lovely painting is sold to Miss Ishika. Ow! Lena. Thank you. Ishika ji, आपने इस पेंटिंग में ऐसा क्या देखा जो इन लोगों ने नहीं देखा? प्यार। मैं इस पेंटिंग को देखकर ही कह सकती हूँ कि ये आर्टिस्ट बहुत ही प्यारा इंसान है और उसके मन में बहुत सा प्यार भरा है। देखिए ना, इन्होंने अपनी पेंटिंग से कितना प्यारा मैसेज दिया है जी, बिल्कुल, कि जब एक जानवर दूसरे जानवर का बोझ उठा सकता है, उसको इतना प्यार कर सकता है, तो हम इंसानों की जिंदगी से प्यार कहाँ खोकर रह गया? कितनी बड़ी बात कह गई आप। I really wish he was here. काश मैं उनसे मिल पाती। अरे अरे इशिका जी, your wish has come true. वो महान कलाकार हम लोगों के बीच में ही है इस वक्त, मिस्टर सागर पांडे। ये तुम लोग भी चलो ना मेरे साथ। थैंक यू सागर जी, इशिका जी। सुपर, फैंटास्टिक, आई मीन mind-blowing painting, Sagar. I hope you don't mind me calling you Sagar. नहीं, अच्छा है। वो क्यों mind करेंगे? मैंने बहुत बड़े-बड़े painters की paintings खरीदी हैं. It's my passion, you know. लेकिन आपकी painting देखकर, I'm your fan now. Thank you. I want your autograph. ये पेन है क्या? Sorry, आज भूल गया भाई. पेंटिंग देखकर मुझे ही लगा था कि किसी बहुत ही मैच्योर इंसान ने बनाई होगी, बट यू क्वाइट यंग। बाय। बाय।
लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। भाई ये तो बहुत मस्त पेंटिंग बनाई आपने। अरे अभी मांग में सिंदूर भरना बाकी है। हेलो। मैं ही बोल रहा हूँ, अच्छा हूँ। और आप? मेरा तो बहुत बुरा हाल है सागर, आपकी ये पेंटिंग मुझे सोने ही नहीं दे रही। आप चाहे मुझे बेशर्मी कहें, पर आई थिंक आई फॉलन इन लव विथ यू। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो मेरे दिल की धड़कन सुन लीजिए। मेरे भी दिल का यही हाल है इशिका, मैं भी तुम्हारे लिए पेंटिंग बना बना के जाग रहा हूँ। मेरे को तुमसे बहुत प्यार हो गया है। छूटे, अपने दिल की धड़कन सुनाओ। ओह माय सागर, यू सो स्वीट। कल मेरा बर्थडे है, व्हाई डोंट वी स्पेंड द इवनिंग टुगेदर, जस्ट यू एंड मी। क्या बात है, अभी से नाचने लग गए हो। कल इटली तो पहुंचाने दो। इटली? हाँ, उदय भाई साहब और आपकी मीटिंग फिक्स हुई है ना आरडीएक्स के साथ। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई? हाँ। कोई टेंशन तो नहीं है ना? बहुत बड़ा टेंशन है, कल इशिका का बर्थडे है, शाम को साथ में रहने का प्रोग्राम बनाया। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है, सब कुछ छुप छुप के हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। राजीव, एक काम करना, वो उदय भाई का हाथ देकर उन्हें बोल देना कि कल का प्रोग्राम कैंसिल। नो नो, उनकी जान को खतरा है। सागर जी, बुरा मत मानिएगा, एक बात बता दूं, मुझसे कभी झूठ नहीं बोला जाता। बाय द वे, ये प्रॉब्लम आपने खुद क्रिएट की है। अच्छी भली शूटिंग चल रही थी, खामखाम जाकर उस डायरेक्टर को मार दिया आपने। अगर शूटिंग चल रही होती तो उदय भाई साहब ये शूटिंग कैंसिल करते, इटली विटली जाते। नहीं, कभी नहीं। हे राजू भाई, वो डायरेक्टर तो साला तुम्हारा दोस्त है, ये शूटिंग वूटिंग चालू करवाओ ना। आपको याद है ना, आपने थप्पड़ मारा था उनको। वैसे भी वो जिद्दी आदमी मानेगा नहीं। कैसे नहीं मानेगा, उसका बाप भी मानेगा। ए, चल रहा है। आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती आपकी, बात बात पे आप फैमिलीज पे क्यों चले जाते हैं, आसीन के ऊपर कर लेते हैं। यही बात आप प्यार से भी उस डायरेक्टर को समझा सकते हैं। राजीव भाई, तुम नाराज मत हो, प्यार से समझाना ना, समझाएंगे। वैसे भी ये प्यार भी बहुत प्यारा होता है।